भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्रीय आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी, नशीले पदार्थ और अन्य क्षेत्रों को पहचाना गया है। इस पर आने वाले समय में कार्यवाही जरूर होगी। एसओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में क्या लिया गया प्रण, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। भारत ने 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। ये बैठक 27 अप्रैल से शुरू हुई थी। इसमें मेजबान भारत समेत सभी सदस्य देशों चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान देश के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि एसओ के सदस्य देशों ने शुक्रवार को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा और नियंत्रण करने की बात शामिल थी। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्रीय आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी, नशीले पदार्थों और अन्य क्षेत्रों को पहचाना गया है। इस पर आने वाले समय में कार्रवाई भी की जाएगी। इस साल एसओ के अध्यक्ष के रूप में भारत दुनिया में सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने में ध्यान देगा और इसके लिए नेतृत्व भी करेगा। रक्षा सचिव ने कहा कि यह हकीकत में इस संगठन के सभी सदस्य देशों के सहयोगी रवैये के लिए एक श्रद्धांजलि है कि हम रक्षा क्षेत्र में सहयोग के कई क्षेत्रों के संबंध में आम सहमति पर पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। तो सूडान की राजधानी खार्तूम समेत कई जगहों पर भीषण लड़ाई की खबरें से देश में सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इस बीच जानकारी के मुताबिक लगभग 1600 भारतीय लोग सुरक्षित स्वदेश पहुंच चुके हैं। क्या है स्थिति, देखते हैं इस रिपोर्ट में अंदर की बात में। भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस ला रही है। इस बीच भारतीय वायुसेना का एक और विमान 231 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। भारतीय वाहक इंडिगो ने सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर जेदा से उड़ान भरी थी। इस बात की जानकारी विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट करके दी। मुरलीधरन ने ट्वीट किया कि 231 भारतीयों को लेकर विमान नई दिल्ली पहुंच गया है। ऑपरेशन के तहत वायुसेना ने C-130J विमान ने एक छोटी हवाई पट्टी में अंधेरे में विमान को लैंड कराते हुए 121 भारतीयों को बचाया। इससे पहले गुरुवार की रात को 135 भारतीयों को लेकर सातवां विमान IFC-130J जिदा एयरपोर्ट पर पहुंचा। 28 अप्रैल को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2100 भारतीय जिदा पहुंच चुके हैं। सरकार ने करा जो कुछ हम लोग को सही सलामत यहाँ पे लेके, और जो फंसे हैं यही दुआ करेंगे कि वो सब भी सही सलामत अपने घर वालों से मिले। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोदी सरकार का और इंडियन एम्बेसी का, और खास करके हमारी इंडियन आर्मी जो हमको वहाँ से बोर सूडान से सूडान ले वहाँ लेके आई सऊदी अरब, और वहाँ से फिर यहाँ हमको लेके आए। सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच पिछले 15 दिनों से भीषण लड़ाई जारी है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। भारत सरकार की तरफ से सूडान में फंसे लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए सोमवार को 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में 2 FIR दर्ज की गई है। आखिर कौन सी धाराएं लगाई है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, आइए जानते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में पहली FIR नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें यौन अपराधों से बाल संरक्षण पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से कहा कि दूसरी FIR बालिग पहलवानों की शिकायत पर है। दोनों ही FIR पर जांच जारी है। इससे पहले दिन में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि जल्दी यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दिग्गज पहलवान विनेश फोगट ने कहा था कि हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक किसी को जेल में न डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण के सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसे सभी मौजूदा पदों से हटा देना चाहिए, अन्यथा वह जांच प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। वही महिला पहलवान साक्षी मलिक ने जंतर मंतर पर मीडिया से कहा कि यह जीत की और पहला कदम है, लेकिन हमारा विरोध ब्रजभूषण शरण सिंह के जेल में नहीं जाने तक जारी रहेगा। हम अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएंगे।
देश के कई जाने माने पहलवान पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न और धमकाने के आरोपों के जांच करने वाली समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। उल्लेखनीय है कि जनवरी में पहलवानों के जंतर मंतर पर 3 दिनों तक का धरना दिए जाने के बाद खेल मंत्रालय ने यह समिति गठित की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भले ही कोई शिकायत दर्ज की गई हो या नहीं, लेकिन प्रशासन को मामला दर्ज करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया जो देश के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा। साथ ही चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को निर्देश दिया था कि घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने कहा था धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। इसके बाद पीठ ने कहा न्यायाधीश अराजनीतिक होते हैं और पहले पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते और उनके दिमाग में केवल एक ही चीज है, भारत का संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि इसे बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।